हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आप चेक कर लीजिएगा। एक लड़की थी जो बहुत ही मोटी थी और हमेशा अपना वज़न कम करना चाहती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। वह बहुत ही आलसी थी और हमेशा अपने ही भले के बारे में सोचा करती थी। अपने बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए उसने रोज़ सुबह सुबह दौड़ लगाना शुरू कर दिया, जहाँ वह दौड़ लगाने को जाती थी वहीं पर एक बूढ़े दादाजी आकर कुछ कछुओं की पीठ पर लगे कीचड़ को साफ करते थे। वह लड़की बहुत ही ध्यान से यह सब कुछ दिनों तक देखती रही और जब उससे रहा नहीं गया तो उसने सोचा कि आज क्यों ना बूढ़े अंकल से पूछ लूं कि आप ऐसा क्यों करते हो। आज सुबह लड़की थोड़ी पहले आ गई और आते ही उस बूढ़े से दादाजी के पास पहुंच गई और बोली, अंकल आपको रोज मैं यही करते देखती हूँ कि आप कछुओं की पीठ क्यों साफ करते हो। इससे आपको क्या मिलता है? उसे बूढ़े से दादाजी ने बोला, सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हर काम अपने मतलब के लिए ही नहीं किया जाता है। मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि इन कछुओं के पीठ पर जो कवच होता है उसमें कचड़ा जम जाता है जिससे कि उनको पानी में तैरने में बहुत ही परेशानी होती है। तो मैं यहाँ आकर उनका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ और यह सब करने से मुझको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। लड़की उस दादाजी का
चेहरा देख रही थी और बोला, और एक सवाल मन में है, आप बोलो तो पूछ लूं। दादाजी ने बड़े ही प्यार से बोला, बेटा आपको जो पूछना है पूछ लो। लड़की ने बोला, पर सिर्फ आपके करने से ही सारे कछुओं का पीठ साफ नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे कछुआ है इस दुनिया में, आप सबका पीठ तो साफ नहीं कर सकते हो। इस बात को सुनकर दादाजी ने बोला, मुझको भी यह बात पता है कि मैं सबका पीठ तो साफ नहीं कर सकता, लेकिन जितना मुझसे हो सकता है उतना तो मैं करूँगा। इससे कुछ लोगों की मुश्किल का हल तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। लास्ट में आपको इमेजेस दिखेंगी, उसमें आप अपना चेक कर सकते हो। ट्राई करना कि लास्ट टाइम आपसे वो मिस्टेक फिर से ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दूसरों को भी सजेस्ट करें, और प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।